नमो बुद्धाय। हम लोग अभी बहुत ही सुंदर एक सूत्र उपदेश सुनेंगे। बहुत कारण आपको ये सुंदर सूत्र उपदेश से सीख सकता है। ये सूत्र बुद्ध उपदेश का, बुद्ध देशना का नाम है कीटागिरी सूत्र। क्या नाम है? कीटागिरी सूत्र। कीटागिरी गांव में भगवान बुद्ध ये उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध बनते लोगों के साथ उस समय यात्रा किए थे। वर्षावास समय आता है। वर्षावास मतलब बारिश होते समय 3 महीना भगवान बुद्ध और आर्य महासंघ बनते लोग एक जगह पे रहते हैं 3 महीना। तो वो 3 महीना एक जगह पे रहता है। इसके बाद फिर भंते लोगों के साथ यात्रा करते हैं सारे देव मानव का कल्याण के लिए। वैसा यात्रा करते समय एक दिन अपने साथ जो रहते थे उन भंते लोगों को भगवान बुद्ध ने इसी प्रकार बताया, भिक्षुओं मैं ये भोजन करता हूँ रात का भोजन छोड़ के, मैं रात की भोजन छोड़ के सिर्फ सुबह भोजन करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत आराम है, रोग पीड़ा भी कम है, कष्ट कम है, शरीर का बल है, इसलिए आप भी रात का भोजन नहीं करिए। ऐसे हो गया तो आपको भी रोग पीड़ा तकलीफ कम हो जाएगा, कष्ट कम हो जाएगा, शरीर का बल बढ़ जाएगा, बहुत आराम मिल जाएगा। ऐसा भंते लोगों को भगवान बुद्ध ने बताया। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध को जो शरण गए वो सारे भंते लोग भगवान बुद्ध के बारे में पूरा पसंद थे, क्योंकि जो कोई भगवान बुद्ध बताते वो मानते थे, कभी मना नहीं करते हैं। भंते लोग भी भगवान बुद्ध की वो बात स्वीकार किए थे। ऐसा यात्रा करते करते ये कीटागिरी जो उपदेश बताया है उसी कीटागिरी गांव में भगवान बुद्ध आया। शहर का नाम क्या था? कीटागिरी। ये कीटागिरी शहर में भंते लोग भी रहते हैं। तो उसी शहर में रहते थे अस्सजी एवं पुनब सुख दो भंते जी। तो भगवान बुद्ध के साथ जो यात्रा किए वो भंते लोग एक दिन शाम में गया था वो दोनों भंते जी मिलने के लिए। कौन कौन? अस्सजी भंते जी तथा पुनब सुख भंते जी। जाकर के बताता है भंते जी, अब भगवान बुद्ध रात का भोजन इनकार किया है, भगवान बुद्ध कभी रात में भोजन नहीं करते हैं। भंते लोग भी रात में भोजन नहीं करते हैं, इसलिए रात का भोजन छोड़ के रहने के कारण रोग पीड़ा कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, काय बल मिल जाता है, आराम मिल जाता है, बीमार कम हो जाता है। इसलिए भंते जी आप लोग भी बीमार पीड़ा कम होने के लिए, अपना स्वस्थ के लिए, शरीर का बल के लिए, आराम से जीवन बिताने के लिए रात का भोजन त्याग करिए, ऐसे बताया। इसके बाद ये अस्सजी पुनब सुख बनते लोग बताते हैं, ऐसा कैसा कर सकता, हम लोग तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो शाम में भी भोजन करते हैं, रात में भी करते हैं, सुबह भी करते हैं, ऐसा करने से हम लोग को फायदा भी बहुत है। देखिए
भगवान बुद्ध रहते समय भगवान बुद्ध की आज्ञा को वे लोग पालन नहीं करते हैं। क्या हुआ, हम लोगों को इस जीवन में अभी जो लाभ होता है, ये लाभ छोड़ के बाद में मिलने वाले लाभ के बारे में कौन खोजता है? कैसा वो बंते लोग बताते हैं, लेकिन वो बंते दोनों बंते जी को समझाना मुश्किल हो गया। इसके बाद भगवान बुद्ध के पास भंते लोग चले गए, जाकर के बताया, भगवान बुद्ध जी हम लोग अस्सी जी पुनः बसुख दोनों भंते जी को जाकर के बताया, आप लोग रात का भोजन छोड़ दीजिए, अगर रात का भोजन छोड़ दिया तो बीमार कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, शारीरिक बल मिल जाता है, आराम से रह सकता है, इसलिए आप लोग छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान बुद्ध जी उन लोग बताते थे कि ऐसा कैसे कर सकता है, हम लोग शाम में भी करते हैं भोजन, रात में भी करते हैं, सुबह भी करते हैं, ऐसा करने से हम लोग को लाभ भी होता है, जो पुराना लाभ को छोड़ के नया लाभ किसी लिए उठाएंगे, हम लोग जैसा हैं वैसा ही रहेंगे, ऐसा बताया। इसके बाद भगवान बुद्ध एक बंते जी को बताया, भिक्षु जाकर के वो अस्सी जी पुनर्बसुक दोनों को बुलाइए। एक बंते जी जाकर के अस्सी जी पुनर्बसुक बंते जी को जाकर के बताया, आपको भगवान बुद्ध बुला रहे हैं। दोनों आ गया, आ करके वंदना नमन करके एक और बैठ गया। बैठने के बाद भगवान बुद्ध पूछ रहे थे, भिक्षु ये बात सत्य है क्या, आप लोग के पास ये बंते लोग आया, आकर के बताया रात का भोजन छोड़ दीजिए, रात का भोजन छोड़ने से बीमार कम हो जाता है, रोग पीड़ा कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, खाया बल मिल जाता है, आराम मिल जाता है, कष्ट कम हो जाता है, इसीलिए आप लोग भी रात का भोजन छोड़ दीजिए। ऐसा बोलने के बाद आप दोनों बताए क्या, ऐसा कैसे कर सकता है, हम लोग रात में भी करते हैं, शाम में भी करते हैं, सुबह भी करते हैं, इसका फल भी मिलता है, ऐसे बताए है क्या? वो दोनों बनते जी बताया, जी भगवान बुद्ध जी हम लोग कैसे बताए हैं, इन लोग के पास अच्छी बात भी है क्योंकि झूठ नहीं बोलते हैं। आजकल ऐसे पूछ रहे तो बताते, अरे बाप रे भगवान बुद्ध झूठ बोलता है, इन लोग हमें कुछ पता तक नहीं, ऐसे बोलेगा। उन लोग बताए, जी भगवान बुद्ध जी ऐसे बताए हैं। इसके बाद बहुत सुंदर उपदेश भगवान बुद्ध ने बताया। अब वो अस्सी जी पुनर्बसुक दोनों बंते जी भी एक और साइड में बैठा हुआ है, तो भगवान बुद्ध ने बताया सारे बंते लोगों को, भिक्षुओं मैं अभी ये जो बताने जा रहे हैं ये उपदेश आप लोग जानते हैं, ये मानव भोगते हैं तीन प्रकार की वेदना, सुख वेदना, दुख वेदना, उपेक्षा वेदना। ये सुख दुख उपेक्षा वेदना से अकुशल खत्म हो जाता है, मतलब पाप खत्म होता है, पुण्य बढ़ता है, ऐसा मैं कभी बताया है? अभी भगवान बुद्ध एकदम अच्छा से क्वेश्चन पूछते हैं सही जगह पे। भंते लोग बताया, भगवान बुद्ध आप तो कभी नहीं ऐसा बताए हैं कि कोई भी मान सुख या दुख या उपेक्षा कोई भी वेदना महसूस करेंगे तो उसी महसूस के अनुसार पाप खत्म हो जाता है, पुण्य बढ़ता है, ऐसा हम लोग कभी नहीं सुने, भगवान बुद्ध ने बताया, बहुत अच्छा। लेकिन हम इसी प्रकार एक उपदेश दे दिया, याद है कैसा, ये मानव को महसूस होता है सुख, कोई कोई सुख है
महसूस करने गया तो पाप बढ़ता है, पुण्य घटता है। कोई कोई सुख है वो महसूस करने गए तो पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है। ऐसा मेरा उपदेश कभी सुना है? बंते लोग बताया, हाँ ऐसे तो हम लोग सुने हैं आपका उपदेश। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, आदमी लोग मानो सहन करते हैं दुख, कोई कोई दुख होता है वो दुख सहन करने गया तो पाप बढ़ता है, पुण्य घटता है। और कोई प्रकार के दुख होता है वो सहन करने गया तो पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है। तथा ये जो मानव को सहन करने वाले और एक वेदना है उपेक्षा, कोई को उपेक्षा वेदना होता है वो सहन करने गया तो पाप बढ़ता है, पुण्य घटता है। और कोई प्रकार की उपेक्षा है वो सहन करने गया तो पुण्य बढ़ता है, पाप घटता है। ये कभी सुना है? बांते लोग बताया, जी भगवान बुद्ध जी हम लोग सुने हैं। तथागत ने बताया, बहुत अच्छा भिक्षुओं, अभी हम इसी प्रकार से बताता हूं। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया क्या है, ये संसार में है सुख, कोई कोई सुख है वो सुख सहन करने गया तो क्या होता है, पाप बढ़ता है, पुण्य घटता है। उसी कारण के बारे में, उसी कारण के बारे में मतलब कोई कोई सुख है सहन करने गया तो पुण्य नहीं पाप बढ़ता है, पुण्य घटता है। अगर ये कारण में अच्छी तरह से अवबोध नहीं किए तो, प्राप्त नहीं किए तो, नहीं देखा तो वो मैं अपना ज्ञान से नहीं समझ गया तो, प्राप्त नहीं किया तो, अपना प्रज्ञा से स्पर्श नहीं किया तो, ऐसा बात में कभी बोलना अच्छा लगता है, सही होता है? बंत रूप बताए, नहीं भगवान जी, अगर मैं ये बात अवबोध से ही बताए, इसलिए मैं ये बात अवबोध से ही बताए हैं, ये कारण मैं ज्ञान से प्राप्त करके ही बताया हूँ, प्रज्ञा से स्पर्श करके ही ये प्रकाश में बताया हूँ कि कोई कोई सुख है वो सुख सहन करने गया तो पाप बढ़ता है, पुण्य घटा हो जाता है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, ऐसा सुख त्याग करिए। ऐसा सुख क्या है? कोई कोई लोग प्राणियों को हत्या करके सुख भोगने जाते हैं, भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा सुख छोड़ दीजिए। और लोग चोरी करके, कमीशन खा के, घूस खा के पी के उसी पैसा से सुख भोगता है, तथागत भगवान बुद्ध ने बताया उसी सुख से पाप बढ़ता है, पुण्य घटता है, तो त्याग करिए। और लोग गलत काम करने जा करके, व्यभिचार करने जा करके सुख भोगता है, भगवान बुद्ध ने बताया वो सुख भी त्याग करिए। क्यों? पाप बढ़ता है, पुण्य घटता है। और लोग झूठ बोलता है, चुगली करता है, झूठ बोल के चुगली करते करके सुख भोगता है। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने वाले लोगों को आजकल बहुत सेवा सत्कार है, जो चुगली करता है आकर के बड़ी सेवा पानी है, भगवान बुद्ध ने बताया वो सारे सुख त्याग करिए। कोई कोई लोग दारू पी के, सिगरेट पी के, गांजा पी के सुख खोजता है, कई निकाह के सुख खोजता है, भगवान बुद्ध ने बताया मैं ये बात को प्राप्त करके ही बताता हूँ,
देखिए भगवान बुद्ध जो कुछ बताता है समझ के ही बताते हैं। ऐसा पाप बढ़ने वाले सुख हैं तो, पुण्य को घटने वाले सुख हैं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, भिक्षु कोई कोई सुख हैं वो सुख प्रयास करना चाहिए, सुख और आगे बढ़ाना चाहिए। कौन सा प्रयास करना चाहिए, कौन सा सुख पे? जो सुख सेवन करने से पुण्य बढ़ेगा तो पाप को खत्म हो जाएगा तो ऐसा सुख भोगना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया अगर ये कारण अच्छी तरह से मैं नहीं जानेगा तो, नहीं देखा तो, प्राप्त नहीं किया तो, अपना प्रज्ञा से स्पर्श नहीं किया तो, अवबोध नहीं किया तो, ये बात मैं बताना सही है क्या? बनते लोग बताए नहीं भगवान जी। भगवान बुद्ध ने बताया इसीलिए भिक्षु मैं ये जो बात बताता है अवबोध से ही बताता हूँ, ये बात मैं देख के ही बताता हूँ, ये बात मैं साथ साथ करके मेरा अपना प्रज्ञा से स्पर्श करके ही बताता हूँ कि और कुछ सुख है वो सुख सहन करने से पुण्य बढ़ता है, पाप खत्म हो जाता है, ऐसा सुख और सहन करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। वो क्या है? समाधि से मिलता है सुख, ध्यान साधना करने से शरीर हल्का होके मन एकाग्र होके सुख मिलता है, और धार्मिक जीवन बिताने से सुख मिलता है, और गुण धर्म बढ़ाने से मिलता है सुख। ऐसा सुख भगवान बुद्ध ने बताया अपना जीवन में लेना चाहिए, अपनाना चाहिए, ऐसा सुख उत्पन्न करवाना चाहिए अपना जीवन में। क्यों? क्योंकि ऐसा सुख अगर आपके पास है तो पुण्य ही बढ़ता है, पाप खत्म हो जाता है। अब देखिए समाधि सुख में पंच निवरण खत्म हो जाता है, ढब जाता है। पंच निवरण मतलब काम अच्छंद, काम भोग, काम इच्छाओं के पीछे पीछे मन चल जाता है। दूसरा व्यापाद, क्रोध गुस्सा नफरत जलन के बारे में मन चल जाता है। तीसरा तीन मिद आलसी नींद, इसमें मन चल जाता है। इसके बाद चौथा उद्दच्च कुकुच्च, मन पछताता है तथा मन भटकते रहता है। पांचवा विचिकिच्छा शक, ये पंच निवरण कहता है ये पांच कारण को। ये पंच निवरण से बहुत मन गंदा होता है, इतना लड़ाई झगड़ा युद्ध ये पंच निवरण कारण से ही होता है। तो समाधि में आने के बाद, ध्यान में आने के बाद ये निवरण ढब जाता है, मन एकाग्र होता है, समाधि मिलता है, उसी समाधि से सुख मिल जाता है। ऐसा सुख मनुष्य जीवन में जितना पैसा खर्च किया तब भी खरीद नहीं सकता है। कौन सा सुख? जो साधना करने से ध्यान मिल जाता है ना, समाधि, उसी समाधि में जो मिलता है सुख, कोई पिक्चर देख के, कोई बगीचा में घूम के, कोई विदेश घूम के, ऐसा सुख कभी किसी को नहीं प्राप्त होता है। इतना ही सुख मिलता है भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध ने जो बताया गया ध्यान साधना करके समाधि मिलने के बाद। ऐसा सुख लेने के लिए भगवान बुद्ध ने बताया, क्यों? क्योंकि उसी सुख से पुण्य ही बढ़ता है, पाप खत्म हो जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया कोई कोई दुख है, ऐसा दुख सहन करने गया तो पाप ही बढ़ता है, पुण्य खत्म हो जाता है। अगर ये बात
मैं अच्छी तरह से नहीं जान गया तो, ये कारण अच्छी तरह से नहीं देखा तो, अच्छा से प्राप्त नहीं किया तो, अच्छा से प्रज्ञा से स्पर्श नहीं किया तो, अल्तू फालतू जैसा मैं ये बताने गया तो सही होगा क्या? बांते लोग बताए नहीं भगवान जी। इसीलिए भिक्षु मैं ये कारण बताता हूँ, अच्छी तरह से जान के प्राप्त करके ही ये मैं बात बताता हूँ, प्रज्ञा से स्पर्श करके ही ये बात मैं बताता हूँ कि जो कुछ दुख है वो दुख सहन नहीं करिए, क्योंकि उसी दुख से पाप बढ़ता है, पुण्य खत्म हो जाता है। वो कैसा दुख है? अत किलमथानुयोग दुख, शरीर को दुख देना। उसी समय भारत में बहुत सारे ऋषि लोग अपना शरीर को बहुत दुख दे दिया। शरीर को दुख देने के लिए बहुत प्रकार की चीज लोग करते हैं, उसी समय के लोग। आजकल भी लोग शरीर को बहुत दुख देता है, प्राणियों को हत्या करने के लिए दुख भोगना पड़ता है, चोरी करने की दुख सहन करते करते चोरी करता है, कई प्रकार से दुख भोगता है। कोई लोग छठ करते समय या कोई व्रत रक्षा करते समय लोग बिना का के रहता है, कल्याण होता है बोल के शरीर को दुख देता है, लेकिन उसी दुख से पाप ही मिल जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा दुख त्याग करिए, ऐसा दुख कभी मत अपनाइए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया और दुख होता है, वो दुख अपनाना कोई बात नहीं, वो दुख प्रयास करना चाहिए, वो दुख प्रयास करने से पाप खत्म हो जाता है, पुण्य ही बढ़ता है। अगर ये कारण मैं अच्छी तरह से नहीं देखा तो, नहीं जानेगा तो, अपना ज्ञान से स्पर्श नहीं किया तो, संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया तो, ये बात में बोलना सही है क्या? बंतिर बताए नहीं, सही नहीं। इसलिए भिक्षु मैं ये बात अच्छी तरह से जान के ही बताता हूँ, प्राप्त करके ही बताता हूँ, ज्ञान से अवबोध करके ही बताता हूँ, प्रज्ञा से स्पर्श करके ही बताता हूँ कि जो कुछ दुख है, कुछ कोई कोई दुख है वो दुख सहन करना ठीक है, क्योंकि ऐसा दुख सहन करने से पुण्य बढ़ता है, पाप खत्म हो जाता है। हम लोग जानते हैं कोई कोई लोग इस संसार में हैं, बहुत दुखी से जीवन बिताते हैं। अगर वे लोग चोरी किया तो बहुत सुख भोग सकता है, फिर भी वे लोग चोरी नहीं करते हैं, दुख से रहते हैं। अगर कोई कोई लोग हैं व्यभिचार किया तो, दूसरों के पास जाकर गलत काम किया तो पैसा कमा के सुख भोग सकता है, लेकिन बुद्धिमान लोग दुख भोगते रहते हैं लेकिन व्यभिचार गलत काम नहीं करते हैं। अगर कोई कोई लोग अच्छा से पैसा कमा सकता है, दारू बेच के, ताड़ी बेच के कमा सकता है, लेकिन ऐसा गलत काम नहीं करता है, दुख से रहता है, रोजीना जीवन दुख से रहना पड़ता है, फिर भी ऐसा दुख से रहने से पाप खत्म हो जाता है, पुण्य बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपना सुख के लिए गलत काम नहीं करता है, गलत रास्ता अपनाता नहीं है, इसलिए उनका जीवन में पुण्य बढ़ता है, पाप खत्म हो जाता है। हम लोगों को भी संतुष्टि से जीवन बिता सकता है, हल्का जीवन बिता सकता है, लेकिन दुख तो मिलता है, लेकिन दुख मिलेगा तब भी संतुष्टि से जो मिलता है उसे खुश हो गया तो
हल्का से जीवन बिताने के लिए कोशिश किया तो पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है। किसी को अगर बिजनेस करेगा तो अधार्मिक बिजनेस कर सकता है, ठग सकता है, लूट सकता है, ऐसा करके अमीर हो सकता है, लेकिन उसी प्रकार से गया तो पाप बढ़ता है, पुण्य खत्म हो जाता है। इसीलिए लोग, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, दुख से रहते हैं फिर भी गलत कदम नहीं रखते हैं। इसलिए वे लोगों जो दुख भोगते हैं उसी दुख से पाप खत्म हो जाता है, पुण्य बढ़ता है। इसलिए हम लोग एक बात पर ध्यान देना चाहे, कुशल अकुशल पर, यानी कि पाप और पुण्य पर। जो कुछ काम करने से पाप बढ़ेगा तो पुण्य खत्म हो जाएगा, तो ऐसा काम त्याग करिए। जो कुछ करने जाके पुण्य बढ़ेगा तो पाप खत्म हो जाएगा, तो ऐसा काम करिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया मध्यस्थ वेदना, उपेक्षा। उपेक्षा मतलब सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, ऐसा उपेक्षा सहन करने गया तो कोई को उपेक्षा है, उसी उपेक्षा से पाप बढ़ता है, पुण्य खत्म हो जाता है। वो क्या है, सामान्य जीवन लोग बिताता है मोह से काम करता है, मोह बंधन में फंस जाते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया अगर ये कारण भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं ये कारण बिना जान के बिना प्राप्त करके बताया तो सही नहीं होता है। इसलिए ये बात मैं अच्छी तरह से जान के प्राप्त करके ही बताता हूं। सामान्य जीवन बिताने वाले मानव मध्यस्थ जीवन बिताया तो पाप खत्म होना, पुण्य बढ़ना नहीं होता है, क्योंकि मध्यस्थ होना चाहिए तो उपेक्षा में आना चाहिए तो ध्यान करना पड़ता है, समाधि में मन को बढ़ाना पड़ता है, तभी तो मन मध्यस्थ में आ जाता है, सुख में भी नहीं दुख में भी नहीं। ऐसे हो गया तो पाप खत्म हो जाता है, पुण्य बढ़ता है। वो करने के लिए भगवान बुद्ध ने बताया। ऐसे है तो अभी समाज में आता है वो रात में खाने वाले बनते लोग क्या इंतजार किए हैं, थोड़ा सा सुख लेने के लिए। भगवान बुद्ध ने बताया थोड़ा सा सुख लेने गया तो उसी सुख के अनुसार पाप मिलेगा, तो पुण्य घटेगा, तो वो सुख नहीं भोगने के लिए, त्याग करने के लिए बताया। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया भिक्षुओं, जो कोई मध्यस्थ वेदना है, उपेक्षा है, वो उपेक्षा के कारण पाप खत्म हो जाएगा तो पुण्य बढ़ेगा, तो ये कारण जो पुण्य बढ़ता है पाप घटता है, ये कारण अगर मैं अच्छी तरह से अवबोध नहीं किया तो, प्राप्त नहीं किया तो, अपना प्रज्ञा से स्पर्श नहीं किया तो ये बात मैं बोलना सही है, नहीं होता है। अगर ये बात, कौन सा बात, जो मध्यस्थ वेदना है उपेक्षा, ऐसा वेदना सहन करने से पुण्य बढ़ता है, पाप खत्म हो जाता है, ये बात इसलिए मैं बताता हूँ अच्छी तरह से देख के, अवबोध करके, प्राप्त करके, अपना प्रज्ञा से स्पर्श करके ही मैं बताता हूँ। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया अप्रमाद होना ही करना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, अप्रमाद होना। प्रमाद होता है मतलब देर होता है, अप्रमाद होना मतलब देर नहीं होता है। उन भगवान बुद्ध ने बताया सभी लोग देर नहीं होना है, देर नहीं होना है मतलब प्रमाद नहीं होना है। प्रमाद नहीं होना मतलब क्या है,
जो कुछ करना चाहिए वो काम समझ के करना चाहिए। ये धर्म की रास्ता पे जाने का काम जीवन में नंबर वन में लाना चाहिए। ऐसे हो गया तो आप प्रमादी हैं, देर नहीं होता है। देखिए एक आदमी है, वो अच्छा से पढ़ाई करता है, लेकिन वो धर्म की रास्ता पे जाना है, सील पालन करना है, धर्म को सीखना है, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो सामान्य जीवन में नौकरी करता है, मेहनत करता है नौकरी करने के लिए, पढ़ाई इसके लिए पढ़ाई करता है, मेहनत करके वो सोचता है ये एग्जाम, ये मैट्रिक इंटर बीए, ये एग्जाम अगर पास कर दिया तो मेरा सिर दर्द खत्म, मेरा परेशान सब खत्म, मेरा जीवन सब हल्का हो जाएगा। कैसे? ये मैट्रिक इंटर बीए ये एग्जाम पास कर दिया तो। इसके लिए वो बहुत ही प्रयास करता है, मेहनत करता है। इसके बाद सोचिए मैट्रिक पास हो गया, इंटर पास हो गया, बीए भी पास हो गया। पास होने के बाद और एक सिर दर्द आता है, टेंशन आता है, वो क्या है? एक नौकरी चाहिए। उसी एक नौकरी लेने के लिए हर जगह फॉर्म भराता है, हर जगह फॉर्म भराता है, इंटरव्यू के लिए जाता है। अब ये क्या करता है, इसका टारगेट क्या है? एक नौकरी लेना। उसके लिए बहुत मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद उसी व्यक्ति को एक अच्छा नौकरी मिल गया। इसके बाद सोचता है और एक टेंशन है, वो क्या है? वो है रहने के लिए अच्छा जगह मिल गया तो, मेरा अपना जगह मिल गया तो, एक जमीन घर। इसके बाद वो क्या करता है, उधार लेके मेहनत करके जमीन खरीदता है। जमीन खरीद के वो जमीन का उधार भी वापस करना चाहिए, नौकरी करते करते उधार वापस करते रहता है। इसके बाद सोचता है जमीन तो खरीद लिया, अभी थोड़ा सा एक छोटा सुंदर घर बनाया तो बहुत अच्छा। अभी सोचता है पूरा। इसके बाद घर संपूर्ण रूप से बनाने के बाद और मन में एक विचार आता है, शादी करना चाहिए, ऐसा अकेले रह के क्या करेगा। इसीलिए कहीं कोई लड़की से या लड़का शादी करना चाहिए। इसके बाद ऐसा सोच के इसके बाद इसका जीवन में पूरा शादी का जीवन आ रहा है। सोचता है, लेटर लिखता है, अकेले बात करता है, आईना के सामने जाके बात करता है, फिल्म जैसा स्वप्न बनाता है, अलग प्रकार की दुनिया में ये रहता है। इसके बाद क्या होता है, शादी करके एक साल दो साल तीन साल जाने के बाद सोचता है अभी ये जो मेरे बच्चे लोग हैं इन लोग बड़ा करना चाहिए, इसके लिए बच्चे लोग को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। अच्छी तरह से पढ़ाए तो अच्छा है, क्योंकि ये बच्चा लोग को जब तक अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तब तक मेरा सिर दर्द खत्म नहीं होगा, टेंशन खत्म नहीं होगा। यही है लोग सामान्य लोग सोचते हैं। इसके बाद सोचता है बच्चा लोग पढ़ाई तो किया और एक टेंशन है, बच्चा लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है। अब सोचते रहते हैं, पूरा सोचते रहते हैं। इसके बाद बच्चे लोग भी मुश्किल से पढ़ाई करके नौकरी खोज लिया। इसके बाद सोचते हैं बच्चे लोग अकेला है। इसके बाद और एक सिर दर्द है, कब हम ये बच्चे लोग से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद सोच सोच के बच्चा लोग का शादी उदी भी करवाता है।
करवाने के बाद फिर भी टेंशन खत्म नहीं। इसके बाद पोता पोती लोग आ जाता है, उन लोगों को पालना पोसना पड़ता है। ऐसे जाते जाते पता नहीं चलता है पलंग पे गिर जाता है, मतलब बीमार पड़ के बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ी हो जाती है। अंत में उसका जीवन में, उसकी जीवन में कुछ नहीं, फालतू जीवन बीत गया। सोच सोच के सपना बना बना के, मेहनत करते करते करके फालतू जीवन बीत गया, अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। अब ये अकेला हो जाता है। अकेला होने के बाद क्या आप सोचते हैं, आपका बच्चे लोग, पोता पोती लोग, सभी लोग आपके साथ रहेंगे? कभी नहीं। उन लोग स्कूल में चलाना चाहिए, बोलता है आपके पास हमेशा नहीं रख सकते, बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए, इन लोग को भी भविष्य होना है। ऐसे करके आप लोग से आप लोग का पोता पोती लोग अलग करवाएगा, पता नहीं चलता है, धीरे धीरे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन धर्म की रास्ता पे मन को नहीं बढ़ाया तो ये सब त्याग करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। पछता के रहना पड़ता है, या नफरत करना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है, डांटना पड़ता है, सब कुछ पकड़ के रहना पड़ता है। क्यों? धर्म की रास्ता पे मन नहीं बढ़ाने के कारण त्याग करने का आदत नहीं होता है, पकड़ के रहने का ही आदत है। अब इसका मन स्वर्ग में जाने के लिए तैयार नहीं है, अच्छा जन्म में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? धर्म पकड़ा नहीं कभी। इसके बाद ये अकेला हो जाता है, पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा लोगों को भगवान बुद्ध एक सुंदर गाथा बताया, पुत्तामति धनं मति इति बालो विहन्यति अत्ताहि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनं। जिसके पास बुद्धि नहीं है वे लोग सोचते हैं मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पास सब कुछ है, उसके लिए बहुत मेहनत करके लोग काम करते रहते हैं। लेकिन अत्ता ही अत्तनो नत्ति, अंत में अपने को खुद अपना भी नहीं है। कुतो पुत्ता, बच्चे लोग कहाँ से आएगा? कुतो धनं, धन कहाँ से आएगा? देखिए भगवान बुद्ध मानव को देख के, मानव का जीवन देख के सुंदर ज्ञान की बात बताए। इसके बाद वो सोच के रहते समय याद आता है, फिल्म जैसा याद आता है, बच्चे लोगों को दुलार दिया और जमीन खरीदा, घर द्वार बनाया, बच्चे लोगों के चलते इधर उधर दौड़ना पड़ा। इसके बाद इसी प्रकार से जीवन याद आता है एक एक करके। अंत में इसको क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है? नहीं त्याग कर सकता है, पकड़ लेता है, पकड़ के ही मर जाता है, मरने के बाद वापस घर आ जाता है, भूत प्रेत बन के आता है। आने के बाद रहने का जगह नहीं, इसके बाद घर में दरवाजा के पीछे, घर के पीछे किचन के कोना में
रहता है। इसके बाद पता लगता है धीरे धीरे घर के बच्चा लोग बीमार पड़ता है, पोती पोता पोती लोग बीमार पड़ता है, खाना स्वाद नहीं लगता है, घर में बहुत झगड़ा हो जाता है, कोई के लोग डर डर जाता है, आमने सामने आना दिखाई देता है, बोलता है वो देखो तुम्हारा दादा आ गया, चिल्लाता है, और लोग कहता है मैं कल सपना से देखा दादा आ गया घर में, दादी आ गया घर में, मरने के बाद प्रेत बन के। इसके बाद डांटता है घर के लोग, मरने के बाद भी हमको हम लोगों को ठीक से रहने के लिए नहीं देता है, तंग करता है आकर के, डांटता है। यही है प्रमाद, यही है देर, ये प्रमाद है अप्रमाद है, प्रमाद है। बनते लोग भी वैसे ही है, अपना घर द्वार बनाते बनाते मंदिर बनाते बनाते रह गया तो पता नहीं चलता है, जो करने वाली चीज अपने से छूट जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया अप्रमाद होना चाहिए। और लोग होता है उन लोग को अप्रमाद होना जरूरत नहीं है, भय नहीं है, उन लोग के पास कुछ भी नहीं है, वे कौन है, अरहंत लोग। अरहंत लोग अप्रमाद होना, देर नहीं होना जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि वे लोग जो कुछ करना है सब कर लिया। हम लोग अरहंत लोग छोड़ के बाकी सभी लोग अप्रमादी होना चाहिए, बिना देर से रहना चाहिए। तीन कारण के संबंध में वो क्या है, अनुलोमिकानी सेनासनानी पटिसेवमाना। कैसे, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए आसान जगह पे रहना चाहिए, पहला कारण। अप्रमाद होते हुए धर्म की रास्ता पे जाने के लिए अच्छा जगह पे रहना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए, जिस जगह पे रहने के कारण धर्म की रास्ता पे भी जा सकता है। दूसरा कारण, कल्याण मित्र साथ संगत करना चाहिए। देखिए कल्याण मित्र कितना मदद होता है धर्म की रास्ता पे जाने के लिए। तीसरा कारण है इंद्रिय बराबर आगे बढ़ाना चाहिए। इंद्रिय क्या है, श्रद्धा, श्रद्धा मतलब भगवान बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा। दूसरा वीर्य, वीर्य मतलब गंदगी को मिटाने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए मेहनत। इसके बाद होश, ध्यान, होश मतलब स्मृति, मतलब स्मृति कहता है, स्मृति मतलब हमेशा ध्यान से रहना चाहिए कि शरीर मन वाणी और आचरण से पाप नहीं होना चाहिए, उसके लिए होश में रहना चाहिए। इसके बाद चौथा समाधि, समाधि मतलब ध्यान करके समाधि में मन आना चाहिए। इसके बाद विदर्शना, विपस्सना करना चाहिए, विपस्सना से प्रज्ञा मिल जाता है, समाधि से मन शांत होता है, विपस्सना से प्रज्ञा प्राप्त होता है। ये सब में देखना चाहिए मेरे पास क्या कमी है, श्रद्धा या वीर्य या स्मृति या समाधि या विपासना, क्या कमी है, खोज खोज के जो कमी है वो बढ़ा के जाना चाहिए, बराबर करके ले जाना चाहिए। किसी को श्रद्धा है लेकिन वीर्य कम है, ऐसे तो क्या करना चाहिए, वीर्य को बढ़ाना चाहिए। वीर्य बढ़ाने के लिए बाधक होता है स्मृति नहीं होना, होश में नहीं हो गया तो वीर्य नहीं कर पाता है, इसलिए होश में आना चाहिए। किसी और कोई लोगों को समाधि नहीं है, वे लोग समाधि को बढ़ाना चाहिए। और लोग ज्ञान से मनन नहीं करते हैं, ज्ञान से मनन करना चाहिए, ये इंद्रिय धर्म को बढ़ाना चाहिए, ऐसे हो गया तो
अप्रमाद होता है। अप्रमाद होने के कारण अरहत्व प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध ने बताया, सात प्रकार के लोग इस संसार में हैं। भगवान बुद्ध के रास्ता पे जाने वाले इसी सात लोगों में से दो अरहंत लोग हैं। एक है उभतो भाग विमुक्त। उभ मतलब दो, उभ का मतलब है दोनों तरफ से मुक्त हो गया। दोनों तरफ से मुक्त हो गया मतलब समाधि एवं प्रज्ञा, अष्ट समापत्ति तक मन को बढ़ाया। दूसरा तरफ से विपस्सना को आगे बढ़ाया। वे लोगों को जन्म जन्म आगे पीछे देख सकता है, मन देख सकता है, आसमान से जा सकता है, तथा ज्ञान प्राप्त भी है दोनों तरफ से। वे अरहंत लोगों को क्या कहते हैं? उभतो भाग विमुक्त। उभतो भाग विमुक्त। वे लोगों को और देर होने का कोई जरूरी नहीं है, उन लोग में बिना देर हो चुका है। और लोग हैं प्रज्ञा विमुक्त। प्रज्ञा विमुक्त मतलब समत और विपस्सना दोनों ध्यान करके ध्यान में आ गया, लेकिन ऊपर तक ध्यान नहीं आया, लेकिन सारे दुख से मुक्त हो गया। चौथी ध्यान तक मन बढ़ाया, इसके बाद विपस्सना करके मुक्ति को प्राप्त किया। वे लोगों को आसमान में नहीं जा सकता, दूसरों को मन नहीं देख सकता, लेकिन दुख से मुक्त हो चुका है। ये दोनों। और कितना लोग होता है? और पांच लोग हैं। ये पांच लोग अप्रमाद होना चाहिए। अभी ये दो बताया, ये दोनों उभतो भाग विमुक्त प्रज्ञा विमुक्त, ये दोनों दुख से मुक्त हैं। और पांच लोग हैं संसार में, ये पांच लोग अप्रमाद होना चाहिए। उनमें से एक है काय साक्षी। काय साक्षी मतलब समाधि को बढ़ाता है, लेकिन अरूप ध्यान आदि में नहीं है। प्रज्ञा भी आगे बढ़ा के संपूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं कर चुके हैं। कोई कोई गंदगी आस्त्र खत्म हो गया, इसीलिए ये लोग भी वो तीन कारण करना चाहिए। वो तीन कारण क्या है? जिस जगह पर रहना चाहे उसी जगह पर रहने के कारण धर्म के रास्ता पर जा सकता है। दूसरा, कल्याण मित्र साथ रहना चाहिए। तीसरा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि विपस्सना प्रज्ञा, ये सब बराबर करके आगे जाना चाहिए। काय साक्षी लोग भी अप्रमाद होना चाहिए। ऐसे हो गया तो जीवन का सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद कौन है? अरहंत लोग छोड़ने की बात है अनागामी। काय साक्षी मतलब अनागामी। अनागामी लोगों को और एक नाम बताया, काय साक्षी। पांच में से पहला बताया, देर नहीं होना है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया दिट्ठप्पत। दिट्ठप्पत मतलब ध्यान समाधि बढ़ता है, प्रज्ञा भी थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन गंदगी संपूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ। ये तथागत अपवेदिता चस्स दम्मा पन्याय वो दिट्ठो होंती वो चरिता। वो प्रज्ञा से देख देख के अपना ज्ञान से मनन करते करते आगे जाना चाहिए। ये कौन है? सकदागामी। दिट्ठप्पत मतलब सकदागामी। वो भी वो तीन कारण पे रहना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए। कौन सा तीन कारण? धर्म की रास्ता पे आराम से जा सकता है वैसा जगह पे रहना चाहिए, कल्याण मित्र संगत करना चाहिए, इंद्रिय धर्म समान करके जाना चाहिए।
इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया इसके बाद वाला श्रद्धा विमुक्त, उनके पास भी समाधि है लेकिन प्रज्ञा संपूर्ण नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रज्ञा बढ़ाया है थोड़ा सा। भगवान बुद्ध के बारे में श्रद्धा है, निविठा होति मूल जाता पतिष्ठिता, वो श्रद्धा एकदम जड़ लगा हुआ है, हिलता नहीं है। ये कौन है? सोतापन्न। सोतापन्न लोग, सोतापन्न लोग को क्या नाम डाल दिया? श्रद्धा विमुक्त। ये सोतापन्न श्रद्धा विमुक्त लोग भी और आगे बढ़ने के लिए वो तीन कारण सेवा संगत करना चाहिए। धर्म की रास्ता पे जाने के लिए आसान जगह पर रहना चाहिए, कल्याण मित्र साथ संगत करना चाहिए तथा इंद्रिय धर्म समान करके जाना चाहिए। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा। इसके बाद धम्मानुसारी, वो समाधि को आगे बढ़ाते रह गया लेकिन समाधि संपूर्ण नहीं है, प्रज्ञा से गंदगी भी मिटाया नहीं, लेकिन ये क्या करता है? तथागतप वेदितो चस्स धम्मा पञ्ञाय मत्तसो निज्जानक्खं कमान्ति। वो क्या करता है? प्रज्ञा से ज्ञान से समझने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए मेहनत करता है। उनको धर्म की रास्ता के बारे में कुछ समझदारी है तथा उनके पास पांच इंद्रिय हैं। वो पांच इंद्रिय धर्म पांच क्या है? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा। ये पांच हैं भगवान बुद्ध ने बताया। ये भी वो तीन कारण से आगे बढ़ना चाहिए। वो क्या है? धर्म की रास्ता पे जाने के लिए आसान जगह पे रहना है, कल्याण मित्र साथ संगत करना चाहिए, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, ये इंद्रिय समान करके ले जाना चाहिए, एक थोड़ा एक बड़ा ऐसा नहीं, बराबर करके ले जाना चाहिए। अभी हम लोग अप्रमाद होने वाले चार प्रकार के लोगों के बारे में जान गया। कौन है? काय साक्षी मतलब अनागामी, दिट्ठापत्त यानी कि सकदागामी, श्रद्धा विमुक्त यानी कि सोतापन्न, धम्मानुसारी। पंचमा है श्रद्धानुसारी। ये भी समाधि को लेने के लिए मेहनत करता है, प्रज्ञा को बढ़ा के गंदगी खत्म नहीं किया है, गंदगी खत्म करने के लिए प्रज्ञा बढ़ाया तक नहीं। तथागते चस्स श्रद्धा मत्तंग होती पेम मत्तंग, लेकिन उनके पास तथागत भगवान बुद्ध के बारे में श्रद्धा मात्र प्रेम मात्र है, इसलिए उनके पास श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा ये इंद्रिय धर्म है। उनके बारे में बताया वो सातवां है, वो भी अप्रमाद होना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए। तीन कारण से वो भी संपन्न होना चाहिए। तीन कारण मतलब धर्म की रास्ता पे जाने के लिए आसान जगह पर रहना चाहिए, कल्याण मित्र साथ संगत करना चाहिए, इंद्रिय धर्म को बराबर करके बढ़ाना चाहिए। ऐसे तो उनको भी ये धर्म को प्राप्त कर सकता है, इतना है। अगर श्रद्धानुसारी नहीं हुआ तो वो भगवान बुद्ध के धर्म की रास्ता पे नहीं आ गया है। अब ये श्रद्धा मत्तं प्रेम मत्तं मतलब छोटा मोटा चीज नहीं, बहुत बड़ा चीज है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में है उनके दिल में श्रद्धा मात्र। कोई भी जो कुछ हो जाए फिर भी वो गुम गुम के भी भगवान बुद्ध के पास ही आ जाता है। जिसके पास भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा मात्र प्रेम मात्र है तो, थोड़ा भी श्रद्धा है तो वो कभी मिथ्या विश्वास पे गिरता नहीं है। ये श्रद्धानुसारी लोग भी
वो तीन कारण संगत करना चाहिए। धर्म की रास्ता पे जाने के लिए आसान जगह पर रहना है, कल्याण मित्र साथ संगत करना है, इंद्रिय धर्म को समान करके ले जाना है, बढ़ाना है। ये भगवान बुद्ध के शिष्य लोग हैं। भगवान बुद्ध ने बताया साधा जातो उपसंकमति, सबसे पहले उनको उत्पन्न होता है श्रद्धा। किन के बारे में? भगवान बुद्ध के बारे में श्रद्धा उत्पन्न होता है। इसके बाद क्या होता है? उपसंकमति, कल्याण मित्र लोग को खोज के जाते हैं। अगर कल्याण मित्र लोग खोज के आना है तो उनके पास क्या होना चाहिए? श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। श्रद्धा जातो उपसंकमति, कल्याण मित्र को खोज के जाता है। उपसंकमत्तो पायरुपासति, खोज के आकर के सेवन संगत करता है। अभी आप लोग भी कल्याण मित्र के संगत में आने के कारण ही ये ज्ञान की बात सुनते हैं, नहीं तो कहाँ मिलेगा ऐसा ज्ञान की बात। कल्याण मित्र को खोज के आया, श्रद्धा जातो, श्रद्धा उत्पन्न हुआ। कल्याण मित्र को खोज के आया, इसके बाद श्रद्धा भी उत्पन्न हो गया। पायरुपासंतो सोतंग ओदहति, कल्याण मित्र के पास आने के बाद कल्याण मित्र लोग जो बोलता है ध्यान से सुनते रहता है, अपना कान को लगा के ध्यान से सुनते रहता है। इसके बाद क्या करता है? ओ ही तो सो तो कान लगा के धम्मंग सुनाती, धर्म सुनता है। अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है, सुत्वा धम्मं धारेति, जो सुना हुआ धर्म को याद रखता है। धातानं धम्मानं अथं उपपरिक्षति, जो याद किया हुआ धर्म का अर्थ ज्ञान से मनन करके समझता है। अथं उपपरिक्षतो धम्म निज्ञानाखमान्ति, ज्ञान से मनन करने से धर्म समझ में आना शुरुआत होता है। धम्म निज्ञानाखन्तिया सति, ये धर्म समझ में आने से क्या होता है? छंदो जायते, इनको धर्म के बारे में बहुत गहरी इच्छा उत्पन्न होता है, प्रसन्नता होता है। किस किस के लिए? ये धर्म और प्रयास करने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए इच्छा प्रसन्न उत्पन्न होता है। छंद जातो उत्साहते, छंद यानी कि इच्छा उत्पन्न होने के बाद धर्म की रास्ता पे जाने के लिए मेहनत करता है धर्म की रास्ता पे। इसके बाद अगर जो पहले प्राणी को हत्या किया तो फिर प्राणी को हत्या करना छोड़ देता है, चोरी करना छोड़ देता है, व्यभिचार करना छोड़ देता है, झूठ बोलना छोड़ देता है, सारे गलत काम छोड़ के सील पालन करता है। अगर होश में नहीं है तो स्मृति में होश में रहने के लिए मेहनत करता है। सब कुछ धर्म को प्रयास करने के लिए ये मेहनत करता है। क्यों? इनके पास इच्छा है, प्रसन्न है, हम ये करेंगे। इनके इनको ज्ञान से मनन करने से समझ में आता है। उत्साहित्वा तुलेति, मेहनत करने से क्या होता है? तुलन करता है। तुलन मतलब एक दूसरे से मैच करके देखता है, मतलब ज्ञान को अच्छे से समझ समझ के निकाल के समझने के लिए कोशिश करता है। आप देखिए कितना दुर्लभ लाभ उनको मिल गया। अगर ये धर्म नहीं मिला तो ये बात कहाँ से मिल जाएगा? ये धर्म आपको नहीं सुनेगा तो आप लोग कहाँ जाएगा, पता नहीं चलता है। बहुत मुश्किल से आप बच गए, नहीं अभी तक पता नहीं बचाया नहीं, बहुत ही लाभ आपको मिला। लेकिन और लोग सोचता है ऐसा नहीं, हम लोग धीरे धीरे थोड़ा पुण्य करेंगे, पूजा उजा करेंगे, धर्म की रास्ता भी इतना जल्दी जाने का जरूरत क्या है, थोड़ा मोड़ा पुण्य भी करते हैं ना,
ऐसे लोग सोचते रहता है, देर होने वाले लोग ऐसा सोचते रहता है। वे लोगों को कभी ज्ञान से मनन कर ही नहीं सकता, योनिसो मनसिकार नहीं है, ज्ञान की मनसिकार नहीं है। तुलयित्वा पदहति, इसके बाद जो अच्छा से खोज खोज के अपनाया उसी पे वो मेहनत करता है। पहितत्तो समानो कायेन चेव परम सच्चं सच्चिकरोत, अंत में इनको सिर्फ एक टारगेट मिल जाता है, एक लक्ष्य मिल जाता है, वो क्या है? धर्म को अवबोध करना, निर्वाण को प्राप्त करना, उसके लिए ये मेहनत करता है। आप देखिए भगवान बुद्ध की ये सुंदर उपदेश, कौन सा कारण पे ये उपदेश शुरुआत हुआ है? वो अस्सजी एवं पुनःबसुक दोनों बंते जी के चलते, वो दोनों बंते जी को दिखा के बताता है इन लोगों के पास श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं होने के कारण कल्याण मित्र को खोज के जाना जाता नहीं है, कल्याण मित्र के पास नहीं जाने के कारण कल्याण मित्र के साथ संगत नहीं होता है, कल्याण मित्र के साथ संगत नहीं होने के कारण ध्यान से क्या सुनेगा, कुछ नहीं सुनता है। धर्म नहीं सुनने के कारण इन लोगों को क्या याद रहेगा, कुछ याद नहीं है। धर्म याद नहीं रहने के कारण कैसे धर्म का अर्थ मनन कर सकता है, समझ सकता है? नहीं। ऐसे धर्म की ज्ञान समझ नहीं सकेगा तो अवबोध कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इच्छा कहाँ से आएगा, कभी इच्छा नहीं आएगा, प्रसन्नता नहीं आएगा, वीर्य नहीं कर पाएगा, तथा ये धर्म अच्छा से खोज खोज के अपना नहीं कर पाएगा, नहीं अपना पाएगा। विपटिपन्नात् भिक्खवे, ये लोग उल्टा हो गया है, सही नहीं, उल्टी हो गया है इन लोग का रास्ता। मिच्छा पटिपन्नात् भिक्खवे, ये लोग गलत रास्ता पे आ गया है। कीव दूरे वेव भिक्खवे मोघ पुरुषा, ये खली लोग, मूर्ख लोग ऐसा जैसा तैसा रहता है। देखिए वो दोनों बंते जी को बताए हैं, वो दोनों बंते जी बगल में बैठा हुआ है, इन लोग का बात क्या हुआ है? इन लोग बताया हम लोग रात में भी खाएंगे, रात में भी खाने का हम लोग को फायदा है, ऐसे करके भगवान बुद्ध ने बताया भिक्षुओं चार शब्द अवबोध करना जरूरत है। वो क्या चार शब्द? दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य, मार्ग सत्य, ये चार आर्य सत्य अवबोध करना चाहिए। बुद्धिमान लोग प्राप्त करता है, अवबोध करता है, लेकिन जो लाभ सत्कार इंतजार करके आशा करके रहने वाले लोगों को नहीं कर सकता है। लाभ पर आशा रख गया तो अगर लोग कहेगा तो हमको सभी लोग इज्जत करता है, हमारे पास धन संपत्ति, ऐसा अहंकार घमंड से रह गया तो नहीं कर पाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया आर्य श्रावक लोगों को जरूरत पड़ता है, ये बात क्या है? सत्था भगवा, भगवान बुद्ध जी मेरा सास्था है, गुरु है, सावको हमस्मि, मैं शिष्य हूँ। जानाति भगवा, भगवान बुद्ध जी सब कुछ जानते हैं, नाहं जानामि, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसा हो गया तो उनको कुछ सीख सकता है। भगवान बुद्ध ने बताया श्रद्धावान श्रावक, श्रद्धावान शिष्य, सद्दस भिक्खवे सावकास सत्तु शासने पय गाय वत्ततो रूम भत्यं सत्तु शासनं होति ओजवंतं। ये शास्ता के शासन में आने के बाद श्रद्धावंत श्रावक लोग
अच्छा से मन लगा के गंदगी को मिटाने के लिए मेहनत करता है, कैसा उन लोग का मन में आता है, उन श्रावक के मन में, शिष्य के मन में कैसे होता है, सत्था भगवा, भगवान बुद्ध मेरे गुरु है, शास्ता है, श्रावको हमस्मि, मैं श्रावक हूँ, शिष्य हूँ, जानाति भगवा, भगवान बुद्ध सब कुछ जानते हैं, ना हम जाना मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। उसी जगह पर रह के शुरुआत करता है ये सब कुछ काम। ऐसे नहीं है तो अहंकार घमंड से अपना बातचीत दिखा के अपना स्वयं गुरु बना के जाने के लिए मेहनत किया तो वे लोग पतन हो जाते हैं। भगवान बुद्ध जैसा इतना महान गुरु मिलने पर भी छोड़ दिया तो उन लोग का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें अच्छी तरह से समझ में आता है ये धर्म की रास्ता पे, भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने के लिए पुण्य चाहिए। हम लोगों को ये धर्म की रास्ता से बढ़ने के लिए पुण्य चाहिए, नहीं है तो हम लोग पता नहीं चलता है, हम लोग हट जाता है। ऐसा है, हम लोग मिल जाता है बीज, अच्छा से उपजाऊ कर सकता है। सोचिए अच्छा आम का बीज मिला है, हम लोग क्या करना चाहिए, अच्छा जगह पे रोपना चाहिए, सही जगह पे, गलत जगह पे रोपना है क्या, नहीं, अच्छा जगह पे रोपना चाहिए। अगर पत्थर के ऊपर डालता है, कभी बीज में पौधा आ जाएगा, फल मिल जाएगा, नहीं मिल जाता है, क्यों, सही जगह पे नहीं डाल दिया है, पत्थर के ऊपर डाल दिया है, धूप में सूख के खत्म हो जाता है, अंत में बीज पौधा उगने के लिए जो शक्ति है वो शक्ति भी सूख जाता है। वह सही है, कोई कोई लोग अपना शक्ति सही इस्तेमाल पे नहीं लगाता है, मिथ्या पूजा ऊजा यज्ञ और ईश्वर पर विश्वास, ऐसा करके अपना जीवन को, जीवन की शक्ति को सुखाता है। अंत में इतना दृष्टि बन जाता है, मिथ्या दृष्टि बन जाता है, अंत में सोचता है ये सब कुछ सही है, ऊपर वाला ने सब कुछ करता है, उससे हट ही नहीं सकता कभी, इतना ही बंधन हो जाता है। वो आम का बीज पत्थर के ऊपर डाल दिया जैसा, जीवन पूरा सूख जाता है, बुद्धि मिट जाता है। अगर वो आम का बीज अच्छा जगह पे डाल दिया तो जहाँ पोषण भी है, वो आम का पौधा, आम का बीज में पौधा उग के फिर बड़ा हो के समय पर फल भी देना शुरुआत होता है। हम लोग का मन भी वैसे ही है। भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के धर्म और उनके शिष्य लोगों के बारे में प्रसन्न हो गया तो हम लोग ज्ञान से मनन करेगा तो हम लोगों का मन में मिथ्या विश्वास सब खत्म हो जाता है। हम लोग को श्रद्धा उत्पन्न होता है, धर्मानुसारी होता है, भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने के लिए मौका मिल जाता है। इसलिए आप सभी लोगों को भी, हम आप सभी लोगों को बिना देर होते हुए सही जगह पे रह के और कल्याण मित्र साथ संगत करके और पंच इंद्र धर्म को समान करके आर्य सत्य को प्राप्त करके सभी दुख से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।